जानना हो देवांजलि मोइत्रा। विश्व की फिलहाल चिंता कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार करने को लेकर। हर देश के डॉक्टर और रिसर्चर लगातार इस वायरस का वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चीन से ये वायरस पूरे देश में फैला, उसी चीन से ये खबर आई है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को नष्ट करने का तरीका इजाद कर लिया गया। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने वायरस को शरीर में नष्ट करने का तरीका ढूंढ लिया। चीन के वैज्ञानिकों ने न तो कोई दवाई बनाई है और न ही कोई वैक्सीन, दरअसल एक बायो वेपन बनाया है जो शरीर में प्रवेश करके कोरोना वायरस को सोख लेता है और उसके बाद उसे 96.5 से 99.9% सफलता के साथ निष्क्रिय करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये न तो कोई वैक्सीन है और न ही इसे दवा कहा जा सकता है। ये एक बायो वेपन जैसा है जिसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विकसित किया गया है। चीन ने एक नैनो मटीरियल डेवलप किया है जो इस वायरस को खत्म कर सकता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि नैनो मटीरियल क्या है। नैनो मटीरियल कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हेल्थ केयर के अलावा पेंट्स, फिल्टर्स, इंसुलेशन और लुब्रिकेंट पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो इन्हें नैनोजाइम्स भी कहते हैं और ये शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स की तरह ही काम करते हैं। इन्हें कुछ विशेष किस्म के कामों के लिए तैयार किया जा सकता है। ये शरीर में आसानी से प्रवेश करते हैं क्योंकि ये बेहद ही छोटे होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दवाएं बनाने में भी किया जाता है। ये शरीर में बीमारी फैला रही विशेष कोशिकाओं को निशाना बनाते हैं। ये न सिर्फ तेजी से इलाज करने में सक्षम है बल्कि बाकी थेरेपी के मुकाबले काफी सुरक्षित माने जाते हैं। हालांकि इनके उपयोग को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है। अब देखना यह है कि चीनी सरकार क्या कोई ठोस डेटा मुहैया करा सकती है जिससे इस वायरस का इलाज हो सके।